उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब खबर सामने आई है बसपा प्रत्याशी जुनैद मियां पर हमला हुआ है। खबरें सामने आई हैं कि जुनैद मियां पर जो हमला हुआ है उसके पीछे राजनीतिक साजिश बताई जा रही है। क्या कुछ कहा उनके करीबी समर्थक ने, आइए आपको सुनवाते। मियां के ऊपर जो जानलेवा हमले की कोशिश की गई है और वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उनकी जान को बख्श दिया है। और जुनैद मियां कोई एक समाज के नेता नहीं है, सर्व समाज के नेता हैं और उनके साथ ये कायरतापूर्ण जो हरकत की जा रही है, जो बुजदली का सबूत दे रहे हैं, अगर उन्हें मुकाबला करना है तो वो मैदान में आ जाएं, कहीं भी खड़े होकर मुकाबला कर लें, हम उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस तरीके की हरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जुनैद मियां सर्व समाज के नेता हैं, मुस्लिम समाज के नेता नहीं है। उनको हर वर्ग का प्यार मिल रहा है, अपार प्यार बन गया है, जिसकी सफलता को देखते हुए विरोधी घबराए हुए हैं और वो अपनी हार को, इस हमले से वो अपनी हार को निश्चित मान। दरअसल देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरक्षा व्यवस्था की दुहाई देते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमराती नजर आ रही है उससे साफ पता चलता है कि योगी सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह आज फेल हो चुका है। हालांकि यूपी चुनाव से पहले लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह देखने को मिल रहा है कि कई घटनाएं अभी तक गठित हो चुकी हैं, जिससे मतलब पता चलता है कि योगी सरकार शांत बैठी है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।